Hello students, my name is Sipra Gupta from SKLGT Public School. Today I teach you about the second chapter of Geography class 9th, Physical Features of India. हमारा आज का टॉपिक है Physical Features of India. ये हमारा चैप्टर का नेम था और हमारा उसी में टॉपिक चल रहा था Formation of Indian Landmass. कि आखिरकार की जो इंडियन लैंडमास है उसका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है. इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे कि इंडिया का जो आखिरकार जो लैंड एरिया है, इंडिया जो पूरा का कंट्री है, वो उसका वो फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है. सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे थोड़ी सी एक स्टोरी आपको हम बताएंगे. स्टोरी ऑफ पेंजिया एंड पेंथलासा, ये क्या थे? ये एक लैंडमास थे जिनको हम आपको बताते हैं. देखिए कि मान लीजिए हमारा पूरा जो अर्थ है वो दो प्लेटों पर बना हुआ था. एक प्लेट था पेंथलासा जिस पर क्या था, वाटर बॉडीज, सी, ओशियन, सारी कुछ चीज़ें हैं वाटर बॉडीज. आपको पता है कि हमारे जो सी है उसके नीचे जब हम सी की डेप्थ पे जाएंगे, गहराई में जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में जब जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या मिलेगा, लैंड मिलेगा. तो वो कौन सा एरिया था? पेंथलासा था. इस ये एक प्लेट थी, ये भी क्या थी, एक प्लेट थी. लेकिन हम आपको, हमें इंडिया लैंडमास पढ़ना है तो हम इस वाले आपकी अब जो प्लेट है उसको पढ़ेंगे. ये जो प्लेट का नाम था वो था पेंजिया. सबसे बड़ी प्लेट जो थी वो पेंजिया थी. इसमें क्या था कि जो अगर हम करोड़ों सालों पहले की बात करें, लाखों करोड़ों साल पहले की बात करें, तो जो पूरी अर्थ थी, पूरे अर्थ के जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे. क्या थे? एक दूसरे से जुड़े हुए थे. मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था कि हमारी अर्थ जो है, अर्थ के नीचे क्या है, मैग्मा है, जो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है. किस फॉर्म में है बेटा? लिक्विड फॉर्म में. ये अंदर से इतना हीट है, इतना हॉट है, इतना गर्म होने की वजह से ऊपर वाली जितनी भी प्लेटें हैं वो स्लो प्रोसेस में क्या करती हैं, मूवमेंट्स करती हैं. वो जब मूवमेंट्स करती हैं तो इस कारण से जो अर्थ के ऊपर की जो प्लेटें हैं वो आपस में क्या करती हैं, स्प्लिट करती हैं. इस स्प्लिट करने की वजह से, कॉलिजन की वजह से क्या होता है कि ये जो प्लेट थी, जो पेंजिया प्लेट थी, इस पेंजिया प्लेट थी, इसके कई पार्ट हो गए. और पेंजिया प्लेट भी दो पार्टों में डिवाइड थी. पेंजिया प्लेट का जो नॉर्थन वाला पार्ट था उसको कहते थे अंगारा लैंड, और जो साउथन वाला पार्ट था उसको हम कहते थे गोंडवाना लैंड. उसको क्या कहा जाता था? गोंडवाना लैंड कहा जाता था. इस गोंडवाना लैंड में देखिए कितनी कंट्रियाँ थी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, एक सिंगल पूरा गोंडवाना लैंडमार्क का ही पार्ट थे. जब करोड़ों सालों के पहले की प्रोसेस है, जब ये एक प्लेटें थीं वो धीरे धीरे इन प्लेटों में क्या हुआ है, अंदर की हीट की वजह से, टकराव की वजह से ये प्लेटों में क्या होना स्टार्ट हुए, ये प्लेटों में टुकड़े होना स्टार्ट हुए. और ये गोंडवाना लैंड के कई सारे टुकड़े हुए, और जो टुकड़े हुए उससे एक प्लेट कहाँ चली गई, अफ्रीका, साउथ जो अमेरिका है वो कॉन्टिनेंट बन गया. एक प्लेट कहाँ चली गई, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ चली गई. एक प्लेट जो नीचे वाली प्लेट थी वो क्या बन गई, अंटार्कटिका बन गई, वो नीचे चली गई. और एक प्लेट इसी से स्प्लिट होके जो हमारा इंडिया का लैंडमास है वो क्या हो गई, वो अलग हो गई. और जो हमारी कैसी प्लेट कहलाई, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहलाई. ये अगर आपको क्लियर हुआ हो तो हम आगे आपको बता रहे हैं, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहलाई. तो ये प्लेटें जब डिवाइड हुई तो ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अगर हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक ही प्लेट पर है. किस प्लेट पर है? एक ही प्लेट पर. जब लेकिन आप कहेंगे मैम ऑस्ट्रेलिया तो बहुत दूर है और बीच पे तो वाटर बॉडीज है. हाँ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया नीचे एक ही सिंगल प्लेट है, एक है, यहाँ पर लैंडमास है, बीच में वाटर है, फिर लैंडमास है. तो ये गोंडवाना लैंड से कितने पार्ट हुए थे? फोर. एक कहाँ चला गया? साउथ अमेरिका,
एक अफ्रीका, एक इंडियन ऑस्ट्रेलिया और एक नीचे चला गया क्या बन गया, अंटार्कटिका। जब ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या हो रही थी, स्प्लिट स्प्लिट होती हुई जा रही थी, तो स्प्लिट होती हुई जब जा रही थी तो ये किस प्लेट से टकराई है, यूरेशियन प्लेट से। किस प्लेट से टकराती है, यूरेशियन प्लेट से टकराती है। ऑलमोस्ट होता क्या है, जो छोटी प्लेटें होती हैं वो किससे टकराकर जुड़ जाती हैं, जाके बड़ी प्लेट से जाकर जुड़ जाती हैं। जब ये स्प्लिट हो रही थी तो बीच में एक सागर था, कौन सा सागर था, टिथिस सागर था। और ये प्लेट जब जा रही है, यहाँ से स्प्लिट होती हुई जा रही है, तो ये बीच में जो सागर है, इस सागर में भी बहुत सारी नीचे क्या होती है, सैंड वगैरह होती है, सागर में बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये प्लेट छोटी होने की वजह से किस में जाकर मिल गई, जाके ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट से में मिल गई। जब ये यूरेशियन प्लेट्स में टकराई तो ये प्लेट छोटी होने की वजह से, बीच में ये सागर की ये चीज़ें थीं, तो जब ये टकरा रही है आपस में, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ें हैं, जब ये आपस में टकराती हैं तो एक क्या होने लगती हैं, एक दूसरे के जब वो पास आएंगी, स्पेस कम होगा तो वो क्या होने लगेगी, वो एरिया जो वहाँ का लैंड एरिया था वो क्या होने लगा, फोल्ड होने लगा और ऊपर उठने लगा। और ये ऊपर जब ये उठने लगा तो इसी से किसकी संरचना हुई, एक फोल्ड माउंटेन की संरचना हुई, जिसको हम क्या कहते हैं, हिमालयन माउंटेन कहते हैं। तो यहीं पर ये प्लेटें जब आपस में फोल्ड हुई तो यहाँ पर किसकी संरचना हो गई, फोल्ड माउंटेन की संरचना हुई, जो हमारा क्या कहलाएगा, हिमालयन माउंटेन कहलाएगा। अब आप कहोगे कि कैसे हमें पता हिमालयन माउंटेन कहलाएगा, क्यों कहलाएगा, और यहाँ पर सागर था या नहीं था, इसका क्या कारण, क्योंकि जो चीज़ें समुद्रों में मिलती हैं वही इस फोल्ड माउंटेन में की भी, यहाँ पर माउंटेन में भी वही सारी चीज़ें पाई गई, जैसे कि सी में जो होता है सैंड होती है वही यहाँ पर पाई गई। तो इस कारण से ये क्या कहा गया, फोल्ड माउंटेन कहा गया। इसी कारण से अगर हम अर्थक्विक की बात करें तो ये दो प्लेटें जब आपस में जुड़ी हुई हैं तो इनमें क्या है, टकराव होने की वजह से ये दो प्लेटें आपस में जुड़ गईं। ये गोंडवाना लैंड का पार्ट कहलाया था। इसके जो एविडेंस की अगर हम बात करें कि जो चीज़ें हमारी इंडिया में हैं वही चीज़ें अफ्रीका में भी हैं, साउथ अमेरिका में भी हैं, और ऑस्ट्रेलिया में कुछ चीज़ें पाएंगी, तो इससे ये एविडेंस से ये पता चलता है कि ये सारी चीज़ें जो थी, ये सारी प्लेटें जो थी, वो सिंगल एक ही चीज़ का पार्ट थी। तो इस तरह से क्या होती है, हमारे इंडिया का जो साउथन वाला पार्ट होता है उसकी संरचना होती है। जब हम यूरेशियन प्लेट्स की बात करें तो एक ये जो प्लेट है जो टकराती हुई यहाँ पर जा रही है, और किससे टकराई है, जाके यूरेशियन प्लेट से। तो यहाँ पर क्या कौन से माउंटेन बने थे, हिमालयन माउंटेन। कैसे माउंटेन बने, हिमालयन माउंटेन बने। नीचे वाला अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया का जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एरिया है, तो ये कैसा एरिया कहलाएगा, ओल्डेस्ट कहलाएगा ना, क्यों, क्योंकि ये बहुत पुराने वाले एरिया का पार्ट है। किसका पार्ट है, किस वाले एरिया का पार्ट है, गोंडवाना। किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। इसी कारण से इंडिया में जो वेस्टर्न घाट हैं और ईस्टर्न घाट हैं, ये जो प्लेटूज़ है, छोटे नागपुर के प्लेटूज़ हैं, मालवा का प्लेटूज़ है, सतपुरा का ये प्लेटूज़ है, ये जो प्लेटूज़ हैं ये मिनरल जो हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिनरल्स इसीलिए पाया जाता है क्योंकि ये करोड़ों अरबों सालों पहले यहाँ पर वॉलकैनिक इरप्शन से ये प्लेटूज़ बने हुए होंगे। इसी कारण से ये महाराष्ट्र के पार्ट पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो इसी कारण से महाराष्ट्र ब्लैक सॉइल इसलिए पाई जाती है क्योंकि ये वॉल्केनिक इरप्शन से ये मिट्टी यहाँ की बनी है, और ये कैसी मिट्टी है, ब्लैक मिट्टी है। तो अब आपको कहीं ना कहीं समझ में आया होगा कि ये जो हमारा इंडिया का जो साउथन वाला पार्ट है वो किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। हमारा इंडिया किस प्लेट से जाकर टकराया था, की पॉइंट्स आप देखेंगे, किस पॉइंट से जाकर टकराया, यूरेशियन प्लेट से टकराया। इंडिया और कौन सी दूसरा ऐसा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया, वो पूरा एक ही प्लेट है। किस प्लेट पर है, एक ही प्लेट है, ठीक है। तो मेन चीज़ें आपको क्या याद रखनी, इस तरह से हमारे इंडिया की जो फॉर्मेशन हुई है वो इस तरह से हुई है, और इंडिया की इस तरह से क्या है, मिट्टी है, ये साउथ इंडिया।
अब थोड़ा सा आप देखेंगे कि इंडिया में जब ये माउंटेन्स बने तो माउंटेन्स ऊपर, अब माउंटेन्स बने तो हम देखेंगे कि सारे माउंटेन्स की रेंज एक सी नहीं है, कुछ माउंटेन्स बहुत ऊंचे होते चले गए और कुछ माउंटेन्स की रेंज थोड़ी नीची है। ये हाँ, वो इस कारण से जिस प्लेट पर जितना प्रेशर पड़ता चला गया, जैसा जैसा प्रेशर पड़ा वैसा ही ये माउंटेन्स क्या होते चले गए, वहाँ का एरिया ऊपर उठता चला गया। जहाँ पर कम प्रेशर पड़ा वो थोड़े लो रह गए, जहाँ पर बहुत अधिक प्रेशर पड़ा, बहुत अधिक प्लेटें दबती चली गई तो वो उतने ही ऊपर उठते चले गए। ये था हमारे लैंड एरिया का फॉर्मेशन, कि इंडिया का फॉर्मेशन इस तरह से हुआ है। कंटिन्यू आपको करेंगे।